हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज से कॉलेज है 8:30 बजे से। और मेरा लंच वगैरह बना लिया मैंने। लंच आज वैसे तो लंच लेके जाता नहीं था और आज का क्या मैंने नॉर्मल जल्दी जल्दी आना था तो सुबह से तो खाना खिलाता नहीं, तो मैंने आज बना लिया पुलाव। तो मैंने पुलाव बना लिया है और अब जल्दी से लंच में रखते हैं, देन फिर निकलते हैं यहाँ से कॉलेज के लिए। कॉलेज से होने के बाद आज शायद मेरे को घर भी निकलना हो सकता है, मैं शायद मुंबई जा सकता हूँ आज। तो जैसा भी होगा, जो कुछ भी होगा, आप देखते रहिए ब्लॉग में। और ये मेरा है रूम, यहाँ पर सामान वगैरह पड़ा है थोड़ा। वही इस कॉलेज पहुँच चुके हैं, टाइम भी हो गया तो लेट हो गए, लीली सब चल जाते। ये है हमारी क्लास, अभी क्लास में कोई नहीं आया तो वैसे फ्री रहेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:15 और मैं आ गया था रूम पर क्योंकि मेरे को खाना खाना था, क्योंकि सुबह तो कुछ खा कर गया नहीं था और अभी लंच टाइम चल रहा था कॉलेज में, तो आ गया था मैं इसलिए। और अब है मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, तो मेरे को फील्ड वर्क चलना है, थोड़ा फील्ड वर्क चलना है। और जो फील्ड वर्क होगा वो भी जैसा पॉसिबल होगा तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और चलो 12:20 से है तो चलो चलते हैं। हो चुका है 4:30, मैं कॉलेज गया। कॉलेज से आया, फील्ड वर्क हुआ नहीं क्योंकि आज, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज लेबोरेटरी में ले गए थे, कंप्यूटर लैब में, तो वहाँ पर थोड़ा काम वगैरह था। तो देन उसके बाद मैंने आकर प्रैक्टिकल लिख लिया है। अभी प्रैक्टिकल लिखा था जो मेरे को कल जमा करना है, मैं अपने दोस्त को दे दूँगा, वो जमा कर देगा। और मैं आज निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए, लेकिन घर पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। मतलब डाउट तो हो गया कि मैं आ रहा हूँ, मतलब बार बार फ़ोन लगा पूछ रहा है क्या हुआ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन डाउट तो हो गया कि आ रहा हूँ। अब मतलब कन्फर्मेशन भी आया, लेकिन फिर अब मैं जल्दी से, यहाँ से 7 बजे बस है तो सीधा जल्दी से जो भी पैकिंग वगैरह होना है तो पैकिंग वगैरह करके फिर निकलते हैं घर। रात के शाम पे 7 बज चुके हैं और मैं रूम पर ही हूँ। मैं जो वैसा तो निकलने का पूरा प्लान था, तैयारी हो चुकी थी पूरी, देखो सामान में पूरा पैक रखा है, बट आज निकलना नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से। तो अब देखो कल चलते हैं, परसों चलते हैं, पता नहीं वो। तो अभी तो नॉर्मली चलो घूमते फिरते, टाइम में से जो घूमते करके आते हैं, देन फिर जो कुछ भी होगा आप देखते रहिए ब्लॉग में। रात के 9 बज रहे हैं और मैं एक गार्डन में आ गया था। गार्डन में और कॉलोनी का कुछ व्यू ऐसा है रात के टाइम में, ये गार्डन है, वहाँ पर भी एक गार्डन है, तो मैं यहाँ पर आ गया था। देन अभी क्या है, अभी तो आज तो मैं गया नहीं और ब्लॉग भी ठीक है, और अब ब्लॉग भी इतना ज़्यादा हुआ नहीं वैसे। ब्लॉग वगैरह बहुत कम होता है, बट जितना होता है कर लेता हूँ। देन अभी क्या है, अब मैं सीधा यहाँ से रूम में जाऊँगा, सो जाऊँगा, मतलब असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट लिखूँगा, कंप्लीट करूँगा, देन सो जाऊँगा। फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, ब्लॉग भी कल भी चलेगा, मतलब 2 दिन का एक ब्लॉग कर लेते हैं, तो कंटिन्यू देखते हैं, मिलते हैं कल सुबह। मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी टाइम हो चुका सुबह के 8 और मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि 8:30 बजे से कॉलेज है। देन अभी तो मैं रेडी हो चुका हूँ और निकलते हैं कॉलेज के लिए। अभी मंदिर करेंगे, दर्शन करेंगे, देन कॉलेज के अंदर चलेंगे। और फिर आज जहाँ तक मेरा आज प्लान बन रहा है आज निकलने का, आज सरप्राइज दूंगा हर साल बिल्कुल। कल तो लग गया था निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज निकल चलने दूंगा, आज तो निकल ही जाऊँगा। वैसे अभी मैं था कॉलेज के, मतलब यहाँ पर खाली जगह पड़ी थी नॉर्मली, और यहाँ से पूरा देखते पार्किंग का व्यू दिखता है, सेज हॉल, और यहाँ पर एक स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ है, और ये पूरी जगह खाली पड़ी थी, तो मैं भी यहीं पर घूम रहा था थोड़ा बहुत। और अब चलते हैं क्लास रूम में, टाइम हो चुका है। तो गाइस अभी लेकर जा चुके हैं हमको NSS का कोई भी एक प्रैक्टिकल था तो उसके लिए, तो देन उसको कंप्लीट करते हैं और देखते रहो व्लॉग में। फाइनली रूम पर आ चुका हूँ। अभी आपने ब्लॉग में देखा वो अभी का प्रोग्राम होता है NSS का, वो रैली वगैरह निकलवा रहे थे, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, तो उसकी रैली वगैरह निकल रही थी। तो उसके बाद हुआ यह कि एक गलती हो गई, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरी क्लास को हाथ ऊपर करके खड़ा करवाया। भाई मतलब गलती एक बंदे की थी, मैं बता रहा हूँ गलती एक बंदे की थी, लेकिन उन्होंने पूरी क्लास को खड़ा करवाया। भाई इतनी ज़्यादा गुस्सा है कि धूप में पूरा राउंड लगा के आया, पूरा कैंपस का राउंड लगाया, देन उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े करवा दिया। यार बहुत ज़्यादा वाली गुस्सा ही, तो उसमें लेट भी हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद अब पूरा पैकिंग हो चुका है, पापा का घर से फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आया, सबके फ़ोन आपको फ़ोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अब मैंने उनको बता दिया कि आ रहा हूँ फाइनली, तो फिर ठीक है। अब खाने भी कुछ नहीं था, सुबह तो मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, रोटी वगैरह खा लिया। देन अभी मैंने क्या लेकर, मैं मैगी लेकर आया, मैगी लेने गया था तो मैगी मेरे को मिली नहीं, यप्पी मिली, तो फर्स्ट टाइम यप्पी ट्राई कर रहा हूँ, तो इसको ट्राई करूँगा। देन उसके बाद
पहले मैं सोच रहा था 6 बजे वाली बस से जाने का, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 5 बजे बस है जो कि यहाँ पर आएगी 6 बजे तक लगभग, तो उस बस से निकल जाएंगे। और जो 6 बजे वाली बस है वो 7 बजे तक यहाँ आती है, तो 1 घंटा लेट, तो 1 घंटा पहले ही निकल जाऊँगा। सब पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बस थोड़ा सा सामान और रखना है, तो वो बस ले गए और फिर निकलते हैं। ठीक है, तो जब तक मैगी वगैरह बना लेते हैं, फिर देन उसके बाद भी काम है भाई, बर्तन मांझना है पूरे। भाई अकेला रहता हूँ, खाना भी खुद बनाना, बर्तन भी मांझना। एक आध बार जहाँ मैं रहता हूँ ना, उसका पूरा टूर भी दूंगा आपको। तो अभी तो चलो जल्दी लिए काम करते हैं, फिर निकलते हैं। मैगी बन चुकी है, ये रखी मैगी, मैगी मतलब मैगी तो नहीं, यप्पी है। देन इसका टेस्ट ट्राई करते हैं, मेरे को तो थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, क्योंकि मैगी अलग चीज़ रहती है, ये अलग चीज़ है। देन अभी टाइम हो रहा है 4:30, मेरे को 5:15 बजे तक किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है तो रैपिडो वगैरह सब मंगवाना पड़ेगा। मैं यहाँ से निकलना है तो जल्दी से बर्तन वगैरह करना, पूरा तैयारी तो हो चुका है, मतलब 90% सब कम्प्लीट, 10% रह गया, तो वो करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। मौसम हो चुकी है, 5:20 हो गए, और ताला वगैरह सब लगा दिया, यहाँ भी ताला लगा दिया, बाइक में भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, और बैग रखा रैपिडो वाले भैया अभी आते ही होंगे, जस्ट फिर निकलते हैं और चलते हैं जल्दी। भैया ने बोला कि आ रहे हैं, गार्डन के पास आ गए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है, मेरा सामान वगैरह रखा है, और देखो कहाँ पर है वो, आए नहीं। मैं गार्डन के पास आकर वेट कर रहा हूँ उनका, क्या पता क्या कर रहा है। तो गाइस अब आ चुके हैं भैया फाइनली, और ये सामान भी बहुत भारी है यार, चलो चलते हैं। तो गाइस बाईपास पर आ चुके हैं, देन अब कर रहा है बस का वेट, जैसे ही बस आती है फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, और बहुत एक्साइटमेंट है जल्दी जाने की। अब बस आ चुकी है और बस सामान उठाओ, वो दिख रही है बस, हाँ वही है यहाँ तक, निकलते हैं फिर जल्दी से। 7:30 बज चुके हैं और वो बस नहीं थी, पता नहीं बस ट्राफिक में आई नहीं, तो 1.5 घंटे से बैठी बाइक में, यहाँ पर 1.5 घंटे से ज़्यादा ही उठा मुझे बाईपास पर, ये देखो। अब जल्दी से बस आ जाए तो फिर निकलते हैं यहाँ। तो गाइस अब फाइनली बस आ चुकी है, अब मेरे को दिख गई वो है बस फाइनली। तो भाई साहब बहुत टाइम होगा, 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पर, तो चलो बैग उठाते हैं चलते हैं। घर पर आ चुके थे, देन मैंने सेविंग वगैरह भी करवा ली, पता ना कमेंट में बताना पहले अच्छा लग रहा था कि अभी अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, देन उस हिसाब से फिर मैं रहूँगा। तो फिर आ चुका था घर, तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।